जी हाँ, आपका चहिता व्हाट्सएप जिसको फेसबुक ओन करती है, अब अपनी एक पेमेंट सर्विस केवल और केवल अपने ग्राहकों के लिए एक नए फीचर के तौर पर लेकर सामने आया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस का यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो एक बार इससे जुड़ी बारीकियों पर नजर डालना जरूरी है। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार शाम को ही व्हाट्सएप की UPI बेस्ड पेमेंट सर्विस की शुरुआत होने की मंजूरी दे दी थी। अब ये जो सर्विस है इसको शनई शनई मतलब धीरे धीरे रोल आउट किया जा रहा है। अगर शुरुआत में आपको ये फीचर ना मिले तो घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुरुआत में सभी यूजर्स को पेमेंट सर्विस अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो कंपनी धीरे धीरे सभी यूजर्स को ये सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर देगी। NPCI के मुताबिक शुरुआत में व्हाट्सएप केवल 2 करोड़ यूजर्स को ही पेमेंट सर्विस की जो सर्विसेज हैं वो उपलब्ध कराएगा। अब कई लोग सोचेंगे कि ये NPCI क्या है, तो NPCI को अम्ब्रेला संगठन के तौर पर 2008 में देश में रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था। जैसा कि UPI ट्रांसफर की मांग देश में बढ़ रही है, अक्टूबर में भारत में UPI के द्वारा 2.07 बिलियन ट्रांजेक्शन तो सितंबर में 1.8 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए, जिसका ग्राफ लगातार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ता ही गया है। और नोटबंदी के बाद तो विशेषकर जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, यानी कि जो आप मोबाइल वगैरह से ट्रांजेक्शन करते हैं, उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि 2016 के बाद हमारे देश में, भारत में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर को लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अपनी रुचि दिखाई है। शायद इसीलिए बाकी के जैसे पेमेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और जैसे पुराने प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, उनके परस्पर बिजनेस से टक्कर लेने हेतु व्हाट्सएप भी इस फील्ड में अपनी पेमेंट सर्विस लेकर आ चुका है। NPCI से मंजूरी के पश्चात FB के CEO यानी कि फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने वीडियो बयान देकर कहा कि ये पेमेंट सर्विस 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। यानी कि व्हाट्सएप की 10 क्षेत्रीय भाषाओं के वर्जन में अभी इसको अपडेट किया जाएगा। जुकरबर्ग ने यह भी बताया कि व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा, यानी कि ये जो पेमेंट सर्विस होगी एकदम फ्री होगी। आप पेमेंट करेंगे तो आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, ऐसा आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया में खबरें हैं और जुकरबर्ग ने बताया है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भारत में 40 करोड़ लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, और इतने बड़े यूजर बेस को देखते हुए ही कंपनी पिछले 2 सालों से इस पेमेंट सर्विस के टेस्टिंग और ट्रायल पर काम कर रही थी। और दिलचस्प बात यह भी है कि भविष्य में लगभग 140 से ज्यादा बैंकों के ग्राहक इस पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस सर्विस को बस ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जियो पेमेंट बैंक इत्यादि के यूजर्स ही यूज कर सकेंगे।